जय हिंद दोस्तों, मैं शिव रतन सिंह, लक्की डिफेंस एकेडमी का फिजिकल इंस्ट्रक्टर। तो आज का हमारा टॉपिक है आँख यानी आई, जो कि आपको आर्मी भर्ती से संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ माना जाता है इसको, और इसको बहुत ही बारीकी से आपको चेक किया जाता है। तो आपको इसमें कैसे सावधानी रखनी है, क्या क्या आपको पॉइंट दिए जाते हैं, उसी टॉपिक के ऊपर हम आज बात करेंगे। तो चलो अभी शुरू करते हैं। हम बात करेंगे आँख के ऊपर। जब आप इंडियन आर्मी की या और किसी फोर्सेज के लिए जाते हो, तो जो डॉक्टर है आपकी आँखों के अंदर एक पेन या पेंसिल लेके आपकी आँखों को ऐसे, जो आपके ब्लैक वाले हैं, ये पूरे 360 डिग्री के अंदर घूमने चाहिए। समझ में आया? यदि नहीं घूम रहे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में अप डाउन किया जाता है। पेन की नोक है, उसको आपको ऊपर और नीचे देखना पड़ता है, मतलब दोनों आँखें आपकी बराबर एक साथ जानी चाहिए। उसके बाद में दाएँ बाएँ, आपका दाएँ चेक करेंगे ऐसे, पूरी आँखें जा रही नहीं जा रही, और फिर आपका बाएँ। तो 360 डिग्री ऊपर नीचे और दाएँ बाएँ आपकी आँखें चेक की जाती है कि भाई आपके कोई आँखों में टेढ़ापन तो नहीं। कई कई बंदों का होता है ना, देखता यहाँ है और ये जो आँख के ब्लैक वाले उस साइड में देखते हैं, तो आँखों में टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट हम कवर करेंगे कि आँख के अंदर तिल होता है। किसी किसी बंदों के अंदर आँख के अंदर तिल होता है, तो उसका भी आपको रेफर दिया जाता है या आपको अनफिट भी कर दिया जाता है। डिपेंड करता है आपका किस हिसाब से वो आपका ब्लैक वाला पॉइंट है। और कई तीसरा पॉइंट लेंगे इसमें, आँखों में किसी को एलर्जी होती है। कई बंदों को देखी होगी आँखें एकदम लाल आँखें रहती है, तो यदि उस प्रकार से भी अभी आपकी लाल आँखें हैं, कंटिन्यू लाल आँखें रहती है, तो भी उसमें आपको रेफर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आप मेरे भाई ध्यान रखें, टाइम से पहले उसका इलाज करा लें। उसके बाद में नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं, इसमें आपको चेक किया जाता है दूर की दृष्टि, यानी आपको दूर के ऊपर 6x6, 6x9, 6x12, 6x24 इस हिसाब से लेटर रहते हैं, छोटे बड़े 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 उस हिसाब से 6x36 तक लेटर नंबर रहते हैं, तो उनको आपको पढ़ना पड़ता है। यदि आप छोटे वाले को, सबसे छोटे वाले लेटर को पढ़ पा रहे हो, तो आपकी 6x6 है। उससे ऊपर वाले को पढ़ पा रहे हो, तो आपकी 6x9। इस हिसाब से आपका दूर की दृष्टि भी अच्छी होनी चाहिए। यदि दूर की दृष्टि कमज़ोर है, तो उसमें भी आपको रेफर दिया जाएगा या अनफिट कर दिया जाएगा। उसके बाद में होती है नज़दीक की दृष्टि, यानी आपको नज़दीक आपको न्यूज़पेपर या आपको एक कोई बुक्स पढ़ाई जाएगी, तो आपको नज़दीक से भी आपको पढ़ना पड़ता है। उसमें देखते हैं भाई नज़दीक की दृष्टि आपकी सही है या नहीं। तो नज़दीक की दृष्टि प्लस दूर की दृष्टि दोनों आपकी अच्छी होनी चाहिए। नंबर चार पॉइंट हम कवर करेंगे, कलर ब्लाइंडनेस। जैसे आपको लाल, हरा, नीला, इस हिसाब से कंबाइंड कॉम्बिनेशन होता है उसका, तो उसमें लेटर लिखा रहता है 1, 2, 14, 13, 12, 9 वगैरह वगैरह, अलग अलग उसमें लेटर नंबर रहते हैं, तो वो आपको पढ़ना पड़ता है। उसकी कम से कम 3 फीट की दूरी से आपको, 1 मीटर या 3 फीट की दूरी से आपको, मतलब वो पढ़ाया जाता है लेटर। तो आपने यदि वो लेटर पढ़ लिए हैं, तो इसका मतलब आपको कलर विजन की कोई समस्या नहीं है, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। तो उसकी भी आप प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से हो सकता है हो जाए। तो इन चीज़ों का ये आपको खासकर आई के अंदर आपको पॉइंट दिए जाते हैं। अभी इसका तो आंखें हमारा शरीर का बहुत ही नाजुक अंग है, तो इसको, इसका बहुत ही ख्याल रखना आपको, इसको सेफ्टी से रखना है, इसका समय समय पे इलाज कराते रहना है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा आंखों का रख रखाव कैसे करें। तो सबसे पहले तो मैं बता देना चाहते हूँ, हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि पहली बात वो बोलते हैं सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ठंडे पानी से नहाना चाहिए। फिर भी चलो हमारे को सर्दी में दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना गर्दन के ऊपर कभी भी गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। चाहे मुंह धोना हो, चाहे आपका सिर हो, तो इस पर गर्म पानी नहीं डालना चाहिए, आपको इसमें नुकसान होता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। अभी क्या करते हैं, जैसे आँखों का आपको रख रखाव कैसे करना, आँखों को कैसे बचाना, तो भाई मैंने पहले ही बता रखा है और बताता रहूँगा, अभी फिर बता रहा हूँ कि आपको दिन में 3 से 4 बार ठंडे पानी से आँखें धोनी है। अभी गर्मी आ रही है, गर्मी में क्या होता है, आँखों में पसीना आता है, जलन सी महसूस होती है, खुजली होती है, तो ठंडे पानी से आपको दिन में 4, 5, 6 बार जितने आपको लगता है आँखों में दर्द हो रहा, जलन हो रही है, तो ठंडे पानी से आपको आँखें धोनी है, उससे भी काफ़ी बचाव होगा। दूसरा इसी में बात करते हैं, आँखों को कभी डायरेक्ट ऐसे मसलना नहीं चाहिए। कई होते हैं थोड़ी सी दर्द होती है, ऐसे ज़ोर ज़ोर से मसलने लग जाते हैं, तो इससे भी आपको बचना चाहिए। डायरेक्ट आँखों को ऐसे नहीं मसलना चाहिए, उससे भी आँखों में प्रभाव पड़ता है। नंबर तीन पॉइंट हम कवर करेंगे कि आपको डायरेक्ट सनलाइट, सूर्य की जो अभी गर्मी आ रही है, सूर्य को डायरेक्ट सन को आंखों से नहीं देखना चाहिए, उससे भी आंखों के अंदर प्रभाव पड़ता है, आपकी आंखें कमजोर होती है। नंबर चार पॉइंट हम कवर करेंगे, जैसे मिट्टी वगैरह है,
तो उससे बचना आपको, डायरेक्ट कोई मिट्टी आंखों में गिर रही है और गिर रही है तो उसको तुरंत ही आंखों को आपको ठंडे पानी से धो लेना चाहिए। अभी इसी के बीच में आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, मैं जब जम्मू कश्मीर में पोस्टेड था तो वहाँ हमने जो बर्फ़ होती है आइस, जो नेचुरल बर्फ़ गिरती है उसको हमने, जैसे धूप गिरती है तो मैंने डायरेक्ट उसको देख लिया था बर्फ़ को, तो उससे क्या होती है आँखें कमज़ोर होती है, तो वहाँ हमारे को चश्मा लगाने की बोलते हैं। जेंट के में जब बर्फ़ के हम डायरेक्ट नग्गी आँख से नहीं देख सकते, यदि नग्गी आँख से देख लिया उसको सनलाइट गिर रही है तो हमारी आँखें। नेक्स्ट आखिरी पॉइंट मैं कवर करूंगा इसके अंदर कि आपने देखा होगा जो दूब होती है, हरी घास होती है, उसके ऊपर यदि सुबह सुबह नग्गे पैर, बिना चप्पलों के नग्गे पैर चलने से भी आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। वैसे आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं आपकी वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि आपके आसपास कहीं हरी दूब है, हरी घास है, तो उसके ऊपर सुबह या शाम को जितना आप नग्गा पैर चलोगे उतनी आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखें। और यदि और कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है आंखों से संबंधित तो आप अच्छे डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं, अच्छे डॉक्टर के आप राय लीजिए, उस हिसाब से अपना ट्रीटमेंट कराए, अपना आंखों का आप ध्यान रखें। आंखें बहुत नाजुक और इम्पोर्टेंट अंग है अपना शरीर का। तो आपको वीडियो जो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल लकी डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बगल में बेल आइकन को दबा देना जिससे मेरे नए वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आप लोग अपना ऐसे प्यार देते रहना, आपके पास और भी नए नए वीडियो, अच्छे अच्छे वीडियो मैं लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।